दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की नेक डिजाइन बनाने का आसान तरीका। आज मैं आपको इस मॉडल की नेक डिजाइन बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने फ्रंट पीस कट कर लिया है और आप फ्रंट पीस कोई भी मॉडल में बना सकते हैं। मैं आपको बैक का कटिंग का तरीका बता रही हूँ। तो जो बैक लेंथ है हमारी ब्लाउज की वो 15 इंच है और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो कि हम मॉडल बनाएंगे उसमें भी स्टिच होगा और ऊपर और नीचे दोनों जगह हाफ हाफ इंच स्टिच होगा। तो मैंने ये 17 इंच लिया है। ये जो मैंने 17 इंच लंबाई ली है इसकी और ब्लाउज का साइज है 34 इंच। तो मैंने ये बैक लेंथ ले ली है 17 इंच और इसका शोल्डर है 15 इंच। तो हमने 7.5 इंच लिया है। आप अपने साइज के हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो मैंने ये 7.5 इंच में ये निशान लगा लिया शोल्डर का। मुड्डे 8 इंच जिससे साइज है 34 इंच। जब हम इसको तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो ये 10.5 इंच लेना है और आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मुड्डे की गोलाई 1.5 इंच, शोल्डर से क्रॉस में 1/2 इंच, जो क्रॉस में लेना है आपको ये नेक तक लेना है। तो मैंने पॉइंट लगा दिए। अभी आपको ये नेक का बताती हूँ। तो जो शोल्डर से मैं नेक लूंगी ये हाई नेक है, तो मैंने यहाँ से ये 5 इंच लिया है और जो मैं नेक हाई नेक में मैं 1.5 इंच इसमें नेक कट करूंगी। 1/2 इंच इसमें शोल्डर पे स्टिचिंग में जाएगा, 1 इंच का नेक रहेगा। तो आप इस तरह से 5 इंच तक ही निशान लगा लें। तो ये मैंने इस तरह से स्क्वायर में कर दिया। इसमें जो गुलाई देनी है वो इसमें हम 1 इंच की गुलाई देंगे। तो ये मैंने ऊपर 1 इंच की गुलाई दे दी है। अब यहाँ से आप नेक हाइट आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं 10 इंच रख रही हूँ और जो मैंने ये नेक का पॉइंट दिया है वहाँ से मैं 2 इंच स्ट्रेट कट में छोड़ेंगे सेंटर से। इस तरह से 2 इंच में निशान लगा लें और जो नेक की गहराई ली है मैंने फुल आप मेजरमेंट करेंगे शोल्डर से तो ये 11.5 इंच आ रही है। आप अपने साइज के हिसाब से इसको कम ज़्यादा ले सकते हैं। जो मैंने नेक का निशान लगाया है यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी और 5.5 इंच का। इसको भी आप कम ज़्यादा अगर कम ब्रॉड रखना है तो आप कम रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अभी जो मैं इसकी गुलाई दूंगी यहाँ से मैं 1.5 इंच में एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैंने एक लाइन खींच लिया है और सेम हम ये जो सेंटर है बैक साइड का यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि हम इसमें डिजाइन देंगे। तो आप ध्यान रखें यहाँ शोल्डर से नेक पॉइंट से जो इसकी गहराई दे रहे हैं हम ये 5.5 इंच लिया है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है और फिर से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। तो इस तरह का आपका ये बॉक्स बन गया है। जो भी हमको नेक डिजाइन देनी है वो आपको बता दें। जो मैंने ये शोल्डर से 2 इंच छोड़ दिया नेक, यहाँ से मैं अब आपको जो ये पॉइंट दिया है मैंने यहाँ तक आपको गुलाई बताती हूँ। तो आप इस तरह से इस गुलाई दे दें और जो हमारा ये पॉइंट है नेक का यहाँ से भी हम इस तरह से इसकी गुलाई देंगे। ये सेप। तो अब जो हमने ये ड्राफ्ट किया है आप सेम ड्राफ्ट को इसको कट करें। नेक कट करते हैं। और 1/2 इंच क्रॉस में ये मुड्डे कट कर लिए, ऊपर का बोट नेक कट कर लिया और जो हमारा ये डिजाइन है इसको हम स्ट्रेट रखते हैं, सेम ऐसे कट करते हैं। अब चाहे तो यहाँ पर जस्ट ऐसा 5 से कॉर्नर
जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से दिया, तो आप इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं, 5 शेप में स्टार्टिंग से, और बाकी आपको पूरा सेम डिजाइन सेम रहेगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया निशान और कट भी कर दिए, और जो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर भी हम इस तरह से कट करेंगे। और मैंने इस साइड में आप कट किया है, अगर आप एक ही कलर में बनाते हैं तो ये इस तरह से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप बेल्ट जो हमारा ये डिजाइन आ रहा है इसमें आप दूसरा कलर भी लगाते हैं तो उसका भी तरीका बताती है। तो आप इसको डबल फोल्ड कर लें। ये तो हमने एक ही सेम कलर में आपको बताया, अभी आप अगर इसको डिफरेंट कलर डालना चाहते हैं तो उसका तरीका बताती हूँ। तो आपको जो ये नेक है सेम रहेगा, और जो हमारी ये लाइन है इसको हम पूरा स्ट्रेट कट करेंगे। अब सेम ड्रॉप रूम कट कर लें। जो आपका ऊपर का हिस्सा रहेगा ये आपका एक ही कलर रहेगा, तो इसकी जो शेप आएगी आप यहाँ पे दो हुक लगाना है, इस तरह से आएगा, तो आपकी जो शेप है इस तरह से दिखेगी। जैसे मैंने ये डबल कलर में बनाने वाली हूँ, आप अगर एक ही कलर में बनाना है तो आप ये कट नहीं करना है, ये एक ही सेम कलर में आपको बॉर्डर अटैच करना है। जैसे हमने डिजाइन ये जो हमने क्रॉस में निशान लगाया था, आप सेम स्ट्रेट कट कर लें। अगर सेम कलर में आप करना है तो ओनली वन साइड कट करना है आपको। तो इस तरह से आप यहाँ से कट कर दें, और यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में हुक पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह आपको इसमें अटैच करना है। अगर आप दूसरा कलर लगाती हैं तो मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ। तो जब आप बैक साइड में पीस कट करें तो कपड़े को, कोई भी कलर का आप कपड़ा डालते हैं तो उसको डबल फोल्ड कर लें, क्योंकि जो कमर में हमारा पीछे टाइट रहेगा तो उसकी फिनिशिंग बराबर से आएगी। तो ये क्लॉथ मैंने डबल कर लिया है, और जो ये ड्राफ्ट है आप सेम ड्राफ्ट को इसके ऊपर रखें, सेम शेप में इसको कट कर दें। तो जैसे मैंने सेम ड्राफ्ट रख के ये दूसरा कलर मैंने कट कर लिया है। अभी आपको जैसे प्लेट डालनी है इसमें, तो वन साइड तो हम इसमें कट करेंगे, तो वन साइड जब हम कट करेंगे तो इसी मॉडल को आप रख लें जो कि हमने इसमें पॉइंट दे दिया कट करने के लिए। ये सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर ले लें, सेंटर से फिर आप लेफ्ट साइड में इसको कट कर। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में कट कर दिया है। अब जितना मैंने यहां से यहां तक पॉइंट लिया है उस पॉइंट पे आप इधर प्लेट डालें। तो ये मैंने 5.5 इंच सेंटर से कट किया है, तो आप सेम 5.5 इंच पे यहाँ पे एक प्लेट डाल दें लेफ्ट साइड में। तो जो आप प्लेट डालेंगे सेम नीचे वाले पार्ट में डालनी है, और जो हमारा ये ऊपर का पार्ट है इसमें प्लेट नहीं डालनी है। अभी मैं आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। जैसे आपने नेक कट कर लिया है तो सेम ड्राफ्ट रख के आप नेक पट्टी तैयार कर लें, और सेम ड्राफ्ट रख के आप कैनवास कट कर लें। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में स्टिच करते हैं नेक पट्टी, सेम उसी तरह अटैच कर लें। उसके बाद यहाँ पर 2 हुक्स डालें इस तरह से, यहाँ पर 2 हुक्स आएगा। उसके बाद जो हमने ये पट्टी कट की है डिफरेंट कलर, तो जो हमने पॉइंट लगा दिया है तो आप इस तरह से जॉइंट करें और यहाँ पे एक प्लेट डाल दें, और दूसरी साइड में हम यहाँ पे हुक लगाएंगे लेफ्ट साइड में। तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हुक लगाते हैं काज करते हैं, सेम आपको उसी तरीके से इसको हुक काज तैयार करना है। तो आप अब इस तरह से इसको तैयार कर लें हुक पट्टी काज पट्टी, और जो नीचे है आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो एक साथ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया था। तो हम इसी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और उसके बाद तुरपाई कर दें। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं तो आप सेपरेट पट्टी अटैच कर सकते हैं। तो आपका ब्लाउज इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आप एक ही कलर का ये पीस नहीं, सेपरेट चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये एक ही कलर रखा है, तो आप सेम ओनली लेफ्ट साइड में आपको कट करना है कमर से, और राइट साइड में आपको कट नहीं करना है। अगर आपको डिफरेंट लगाना है तो आपको पूरा पीस कट करना है।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।